फर्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं सब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा कुर्ता और ये मैंने थ्री मीटर फैब्रिक लिया है नियॉन कलर है ये पैरट कलर और इसके साथ कुछ लेसेज मैंने ली हैं और मेरे पास ये चिकन का एक बॉर्डर पड़ा हुआ था ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि छोटा सा ये बॉर्डर है ये हम स्लीव्स के आगे अटैच करेंगे और मैंने तीन मीटर कपड़ा लिया है अगर आप ढाई मीटर भी ले लें तो आपका ये कुर्ता ईजीली उसमें रेडी हो जाएगा ये मैंने मिल्की शटल लेस जो होती है ना वो ली है वाइट कलर की ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये मैंने जॉइंट लैस ली है ठीक है तो इसको भी इसके ऊपर हम रख के स्टिच करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो है शर्ट की जो चौड़ाई है दामन की वो तेईस इंच तैयार रखनी है तो मैं चौबीस इंच पर इसकी चौड़ाई निकाल लूँगी और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन मुझे फोर्टी uh, से फोर्टी वन के दरमियान रखनी है तो सबसे पहले मैं बैग तैयार करूंगी तो उसके लिए मैंने फ़ोर्टी टू इंच की लेंथ जो है वो उतार ली है और अपने पीस को डबल फोल्ड कर लिया है तीरा मैं साढ़े सात पर यहाँ पर मार्क कर रही हूँ ये आप देख लीजिए और यहाँ पर हाफ़ इंच जो है वो मैं ड्रॉप दूँगी और उसके बाद हम जो है वो उसको सात इंच ही मज़ीद नीचे की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे अब यहाँ पर मैं कंधे की जो है वो गुलाई कर रही हूँ पहले हमने बैक साइड का पीस ही तैयार करना है उसको रेफ़रेंस रखकर हमने फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग करनी है ठीक है तो यहाँ पर मैं ये लार्ज साइज़ बना रही हूँ तो उसमें मैं बस साइज़ तकरीबन साढ़े दस इंच पर रखूँगी और यहाँ पर जो है वो मैं इसकी जो यहाँ पर चौक की लेंथ है वो मैं साढ़े ग्यारह साढ़े चौदह इंच ले रही हूँ क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर कंधा जोड़ते हुए जब चला जाएगा तो हमारा चौदह इंच की ये जो है वो लेंथ रह जाएगी तो सात इंच पर मैं इसकी वेस्ट का निशान जो है वो लगाऊंगी और टोटल वेस्ट मैं यहाँ पर साढ़े नौ इंच ले रही हूँ ये चूँकि मैं लार्ज साइज़ बना रही हूँ तो ये उसी की मेजरमेंट्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं हिप साइज़ जो है मैं यहाँ पर एलेवन लूँगी जो कि ट्वेंटी टू इंचज़ रह जाएगा इन तमाम निशानों को जो है वो सीधा सीधा मिला लेंगे मुझे काफ़ी सिस्टर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लेन कुर्ती पर डिज़ाइनिंग सिखाएं जैसा कि आपने अपनी पिछली वीडियोस में जो है वो एक पिंक और एक येलो कलर का कुर्ता जो है वो स्टिच करना बताया है तो इन शाला मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी यहाँ पर मार्जिन भी मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब यहाँ पर उसकी हम कटिंग कर, कर लेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मजीद डिज़ाइनिंग्स के लिए यहाँ पर जो है वो मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है अब मैं यहाँ पर जो है वो इसके चौक का निशान लगाऊंगी तो यहाँ पर मुझे ट्वेंटी थ्री रखना है तो मैं साढ़े ग्यारह इंच पर जो है वो निशान लगाऊंगी और हिप साइज को और जो हमारा ही, नीचे का निशान है उसको हम स्ट्रेट मिला लेंगे ठीक है और यहाँ से मैंने वन इंच फोल्डिंग का रखा है तो उस पर भी हमने जो है वो निशान लगा लेना है ताकि हमें स्टिच करने में मुश्किल ना आए ठीक है थीके? पहले ही हम तमाम चीज़ें तैयार तो करके रखेंगे अब बैक साइड जो है वो मैंने कटिंग कर ली है अब हम यहाँ पर जो है वो स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो ये बॉर्डर मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ ये मैं आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ ये 16 इंच डबल में है यानी कि ये 32 टू इसकी लेंथ है और ये तकरीबन नौ इंच चौड़ा है ठीक है ये बॉर्डर आपके पास भी इस तरह का कोई बॉर्डर पड़ा हो तो आप इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकती हैं ठीक है अब इसको हमने इस तरह ही रहने देना है इसकी कोई कटिंग नहीं करनी हमने और यहाँ पर जो है वो मैंने फैब्रिक लिया है फ़ोर फोल्डेड फैब्रिक है ये जो मैंने बैक साइड उतारी है ना उसी के साथ ये जो पट्टी थी उसी के ही मैं जो स्लीव्स बना रही हूँ ठीक है ये जो है वो 12 इंच चौड़े हैं और 11 इंच ये बाजू लंबा है क्योंकि 9 इंच हमारा बॉर्डर भी है तो साढ़े तीन इंच पर जो है वो मैं यहाँ पर कंधे का ड्रॉप दूंगी और यहाँ से हमने गहरी सी जो है वो गहरा सा निशान लगा लेना है ठीक है अब यहाँ पर मैंने दस इंच पर निशान लगा लेना है कंधे का आम होल का यहाँ पर निशान लगा लिया और यहाँ पर जितना भी ये बॉर्डर जोड़ा है वहाँ पर निशान लगा के कंधे से जो है वो एक इंच का मार्जिन हमने छोड़ देना है सिलाई का और बाकी का हमने निशान लगा देना है और यहाँ पर देखेंगे स्लीव्स भी जो है वो मेरे पे ट्वेंटी वन इंचज़ तैयार हैं क्योंकि बॉर्डर जो है वो आगे से बना हुआ है मुझे उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगा देंगे और दो पल्ले जो है पकड़कर कर हमने हाफ इंच जो है वो मजीद कटिंग करनी है फ्रंट साइड के स्लीव्स uh, की ठीक है ये देखें स्लीव्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं बॉर्डर मैंने काट कर अलग कर दिए हैं अब यहाँ पर आपने वीडियो को गौर से देखना है स्किप बिल्कुल नहीं करनी यहाँ मैंने जो है वो एक लंबी सी जो है वो पट्टी कपड़े की कटिंग कर ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 12 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आपने आ, जितनी हमने बैक साइड की रखी है ना उससे ज़्यादा यहाँ पर देखें मैंने 46 सिक्स इंचज़ ली है क्योंकि यहाँ पर हमने पिंटेक्स वाला और प्लेट्स वाला डिज़ाइन बनाना है ना तो उसमें कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है ठीक है जी अब यहाँ पर मैंने ज़ीरो का बुक्रम 16 इंच लंबा जो है वो चिपका लिया है जिस पर हमने अपने गले का डिज़ाइन बनाना है इसको मैं सेंटर से इस तरह क्रीज़ कर लूँगी ये देखें आयरन करके अच्छा सा इसको क्रीज़ कर लें सेंटर इसका बन गया है अब यहाँ से सेंटर जो है वो हमने कटिंग कर देना है और एक इंच जो है पहले तक हमने कट जो है वो लगा कर छोड़ देना है ठीक है अब यहाँ पर देखें इसको बिल्कुल इस तरह से हमने इसका जो है वो स्कॉ बनाना है ठीक है ट्रायंगल इसकी बना लेनी है और ये निशान जो है छप जाएंगे ठीक है अब इसके साथ ही तकरीबन हमने डेढ़ इंच के फासले पर एक और जो है वो इस तरह से निशान लगा लेना है बिल्कुल साथ साथ इससे आपका डिज़ाइन बहुत ही नीट बनेगा और दूसरा ये कि ये बिल्कुल जो है वो आपस में साथ साथ जो है वो आपका डिज़ाइन बनेगा ठीक है बराबर अब यहाँ पर जो हमने निशान दो लगाए हैं उन पर मैं एक बूट के गैप से जो है वो प्लेट डाल रही हूँ ठीक है साथ साथ ये आप दूसरी तरफ भी जो है वो इस तरह से प्लेट डाल लें एक बूट के गैप से ये देखें अब यहाँ पर जो है वो हमने ग्रीन कलर की जो लेस है आ, हमारी जॉइंट लेस, उसको हम जो है वो ऊपर रख कर ही लगा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी नाज़ुक लेस है तो ये जॉइंट में अच्छे से नहीं लगनी थी तो मैंने ऊपर रख कर ही इसको लगा दिया है गैप वो ही डेढ़ इंच का ही चल रहा है ठीक है साथ ही आपने दूसरी तरफ लगानी ताकि जो है हमारे डिज़ाइन में ना कोई कमी बेशी ना आए बिल्कुल बराबर आए इस तरह के जो कुर्ता डिज़ाइन हैं वो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत देखने को मिलेंगे तो आप घर में खुद रेडी कर सकती हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए अब वही डेढ़ इंच का गैप मेंटेन करके फिर मैं एक जो है वो एक बूट के गैप से जो है वो प्लेट डाल रही हूँ अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले तरीके से निशान लगा लें मैं वैसे ही जो है वो मार्जन लेकर इसमें काम कर रही हूँ ठीक है तो पहले मैंने दो प्लेट्स डालकर लेस लगाई थी फिर जो है वो हमने वाइट कलर की लेस भी लगानी है तो इसलिए मैंने एक ही प्लेट रहने दी है अब धागा मैंने वाइट चेंज कर लिया है और जो हमारे पास वाइट मिल्की लेस है ना वो हम लगा रहे हैं फ़ासला हमारा बिल्कुल डेढ़ इंच वाला ही होना चाहिए अब ये देखें किसी को मुश्किल होती है ना इस तरह से तो आप साथ मिला कर इस तरह से लेस लगा लें तो आपका बिल्कुल बराबर आएगा फ़ासला ठीक है अब ये जो है वो मैं वाइट लेस जो है वो ऊपर की तरफ भी लगा रही हूँ ठीक है जी ये देखें अब यहाँ वापस से फिर मैंने जो है वो पैरेट कलर की नलकी जो है वो चढ़ा ली है और यहाँ पर जो है वो वाइट कलर की लैस के नीचे एक और मैं जो है वो वन बूट के गैप से प्लेट डाल रही हूँ आप छोटे छोटे बारीक बारीक पिंटेक्स भी डाल सकती हैं इसी तरह से तो इसके इस प्लेट के नीचे एक एक बार और मैंने ग्रीन कलर की लैस जो है वो लगाई थी अब यहाँ पर देखें ये जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं सिर्फ आपने इन कॉर्नर्स को कट करना है थोड़ा सा शेप अप कर लेना है ठीक है और जो साइड्स पे कॉर्नर बन रहे हैं इस तरह से उनको भी आपने हल्का हल्का ख़त्म कर देना है इससे चौड़ाई में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा लेकिन वो फिटिंग में जो है वो जब हम साथ में पैनल्स जोड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब यहाँ पर देखें इसको सेंटर से मिलाकर रख रही हूँ और साइड पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हमने कटिंग करके एक जैसा कर लेना है बिल्कुल ये आप नीटनेस चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने दो पट्टियाँ ली हैं डेढ़ इंच चौड़ी हैं और इसकी लेंथ मैंने इस कट के बराबर ही ले ली है तकरीबन सोलह इंच तो इसमें मैंने ज़ीरो का बुकरम जो है वो ऑलरेडी चिपका लिया हुआ है ठीक है ये देखें यहाँ पर जितनी चौड़ी आपको मगजी निकालनी है बूट पाइपिंग बनानी है आप उतनी चौड़ी जो है वो सिलाई लगाएं और जो कट हमने लगाया था उसमें हाफ इंच का कपड़ा जो है ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है मैंने ये सबसे आसान तरीका है बूट पाइपिंग करने का और जब आपने ज़ीरो का बुकरम लगाया होगा तो बहुत ही ज़्यादा सफाई आएगी तकरीबन एक बूट के गैप से ही जो है वो मैं यहाँ पर पाइपिंग निकाल रही हूँ अब यहाँ पर देखें अब यहाँ से उसको हम फोल्ड करेंगे ठीक है ये देखें बैक की तरफ मैंने फ़ोल्ड किया और इसको जो है वो दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे तो पीछे आपको फिनिशिंग से काम मिलेगा और सिलाई से ही आपका जो है ये प्लेकेट बंद हो जाएगा और पीछे आप चाहें तो तुरपाई करें लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है नीटनेस के साथ आपका काम हो जाएगा फोल्ड करते जाएं और जितना आपको चौड़ा पाइपिंग को लगाना है उतना आप जो है वो मेंटेन करती जाएं और सिलाई लगा लें ठीक है ये देखें यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल आराम से तसल्ली से आपने इसको प्लेकेट को बनाना है मगजी को बहुत ही नफासत से जो आपने फोल्ड कर लेना है क्योंकि इसके नीचे हमने फैब्रिक लगाना होता है फ्लैकेट बंद करने के लिए तो आप जितना नीट यहाँ पर काम करेंगी उतना ही ज़्यादा नीट लुक आएगी वरना तो बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो जाता है इसके पीछे ये देखें बहुत इजीली ये स्टिच हो रहा है बिगिनर्स भी इसको इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने सेवन इंचेस छोड़कर इसके नीचे जो है वो ये पट्टी लगाकर जो अपनी पाइपिंग को बंद कर देना है ठीक है जी तो यहाँ पर जो है वो नेक लाइन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम करेंगे तो बहुत ही नीटनेस के साथ हमारा काम हो जाएगा अब यहाँ पर एक और मैंने फैब्रिक की पट्टी ली है इसकी चौड़ाई पंद्रह इंच है और इसकी जो लंबाई है मैंने तकरीबन फोटी सिक्स टू फोर्टी सेवन इंचज़ ही ली है क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो पिंटेक्स डालने हैं तो उसमें कपड़ा श्रिंक हो जाएगा तो श्रिंक होने के बाद हमारी रिक्वायर लेंथ के मुताबिक आ जाएगा ठीक है आपने अपनी रिक्वायर लेंथ से तकरीबन तीन से चार इंच लंबा फैब्रिक लेना है इस तरह से आपने आयरन कर लेना है इसको जितनी चौड़ाई है उतना ही आपने इसका ट्रायंगल बनाना है और दो इंच के फासले पर आपने तमाम आयरन से निशान लगा लेने हैं ठीक है जी इस तरह से काम जो है वो आसान हो जाएगा आ, ये देखें तमाम निशान मैंने आयरन कर लिए हैं और अब इस पर हम जो है वो पिंटेक्स डाल लेंगे फटाफट से तो देखें यहाँ पर मैंने कितनी नीटनेस के साथ जो है पिनटेक्स डाल रही हैं मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि आपके पिनटेक्स बहुत ही नीटनेस के साथ होते हैं आप क्या यूज़ करती हैं तो मैं इसको अच्छे से आयरन करती हूँ फैब्रिक को और फिर जो बारीक सिलाई के साथ पिनटेक्स डालती हूँ और अगर कोई कपड़ा बहुत लचकदार हो तो उसको हल्की सी आप माया लगा लें तो वो बहुत अच्छी सिलाई उस पर होगी अब इसको सेंटर से जो है मैं कट कर रही हूँ मैंने जो है वो दो पैनल अलग अलग से पिनटेक्स नहीं डाले मैंने काम आसान किया है और एक ही बार में कपड़े हुए पिंटेक्स डाली हैं उसको सेंटर से अलग दिया है एक इस साइड का पैनल हो जाएगा और एक इस साइड का राइट और लेफ्ट दोनों पैनल जो हैं वो ये कट हो रहे हैं अब यहां पर देखें दोनों पैनल पैनल जो जो हैं मैंने कटिंग कर ली इसके में अब वो जो सेंटर पैनल हमने रेडी किया है उसको सिंपल जोड़ लेंगे ठीक है जी जोड़ने के बाद यहां पर जो हमारी है पैरट कलर की वो हम इन दोनों पैनल्स के ऊपर लगा लेंगे ठीक है दो सिलाइयों से ये लैस जो है वो लग जानी है ये आप डिज़ाइन किसी भी कलर पे रेडी करें वाइट टच के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा और आगे फोटीन अगस्त आ रहा है तो आप ग्रीन कलर पर इसका कंट्रास्ट करें तो बहुत ही प्यारा लगेगा ठीक है जी ये तमाम पैनल्स मैंने रेडी कर लिए हैं और मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ ठीक है पहले हमने फ्रंट साइड तमाम जो है वो उसकी चीज़ें रेडी की हैं और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है ठीक है अब इसके ऊपर हमने सिंपली बैक साइड को भी छाना है और जैसे जैसे हमने उसकी कटिंग की थी उसको फॉलो करके इसकी भी कटिंग कर लेनी है ठीक है मैं तमाम स्टेप्स आपको शो कर रही हूँ ताकि जो नए हैं आने वाली लड़कियाँ हैं सीखती हैं तो उनके लिए भी ये आसान हो इंस्टाग्राम पर आप इस तरह के डिज़ाइन देखती हैं तो अगर आपने कोई डिज़ाइन सीखना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर उसकी पिक्चर सेंड कर सकती हैं ये देखें तमाम कटिंग मैंने कर ली है अब फ्रंट के कंधे की जो है वो इजाफी कटिंग भी मैंने कर ली है ठीक है जी अब यहाँ पर इसकी नेक जो है वो उसकी कटिंग करेंगे चार इंच जो है वो मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और साढ़े चार इंच जो है वो मैं नेक डीप कटिंग करूँगी अब चूंकि इसके पीछे ज़ीरो का बुक लगा हुआ है तो यहाँ पर स्टिफनेस है मुझे चेपी अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं इसी तरह कटिंग करूँगी और उसके ऊपर हम जो है वो अलग से आ, मगजी जो है वो लगा के इसको पलट लेंगे गले को बैक साइड का जो नेक है उस पर हम जो है वो चेपी इस्तेमाल करेंगे तो डबल फोर्ड कैनवास मैंने ले लिया है यहाँ पर मैं जो नेक की चौड़ाई है आप देख लें मैं जो है वो पौने चार इंच ले रही हूँ ठीक है और इसकी जो गहराई है वो चार इंच लेकर ये मैं इसकी नेक जो है वो कटिंग कर रही हूँ ठीक है जी नेक भी कट चुका है ये जो बुटीक का हमारी टैग है वो भी हमने इसके ऊपर लगाना है ठीक है जी ये मैंने उरे पट्टी ली है डबल फोल्डेड और ये मैं फ्रंट साइड के गले पर जो है वो आ, इसको फिनिशिंग के साथ लगा रही हूँ ठीक है थोड़ा ज़्यादा आपने कट करना है इस फैब्रिक को और पलट के हमने डबल सिलाई लगा दी है और इसी के साथ हम जो है वो दूसरी साइड को भी शुरू कर लेंगे ठीक है इससे आपके दोनों जो कॉर्नर्स हैं वो बराबर आएंगे ठीक है जी और साथ ही जो है वो हम जो है बैक का नेक जो है वो उसको भी रेडी करेंगे ठीक है अब ये देखें उसके ऊपर हम टैग भी जो है वो स्टिच कर रहे हैं ये देखें अब जल्दी जल्दी से हम जो है वो इसकी स्टिचिंग करेंगे बैक साइड का जो नेक है वो भी रेडी करेंगे बैक साइड का नेक जो है वो जेपी का बना हुआ बहुत ही ना प्यारा लगता है यूनिक सी लुक आती है तो अब ये स्लीव्स का ज्वाइंट हम लगाएंगे और स्लीव्स के ऊपर कुछ लेसेस के साथ इसको बैलिश करेंगे ठीक है जी तो ये तकरीबन दो इंच के फ़ासले से जो है मैं लेस लगा रही हूँ अब यहाँ पर हम जो है वो Uh, थोड़ा फासला छोड़ के फिर से ग्रीन लगा रहे हैं क्योंकि फिर बाद में मुझे नलकी चेंज करनी पड़ेगी व्हाइट के लिए तो फिर बाद में मैं नलकी चेंज करके व्हाइट नलकी का काम करूँगी सारा तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया करें और एक छोटा सा कमेंट भी दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो मुझे पता चले कि आपको किस तरह का काम मेरा पसंद आ रहा है अब यहाँ पर देखें ये जो है वो आपने गला इसके ऊपर ओवरलैप करना है बैग का फ्रंट के ऊपर ठीक है ये आप देख लें गौर से ये देखें गला मैंने आगे की तरफ खोल दिया है फिर हमने फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखकर गला पीछे की तरफ पलट दिया है ओवरलैप कर दिया है ठीक है अब ये जल्दी जल्दी हम जो है वो तमाम स्टिचिंग इसकी कंप्लीट करेंगे बाकी स्टिचिंग जो है वो सादा ही है ये देखें और अब हम इसके स्लीव जो है वो ज्वाइंट करेंगे स्लीव्स मैंने खुले मोहरी वाले जो है वो कुर्ता स्टाइल रखे हैं तो अब यहाँ पर इसकी आप फ़ाइनल लुक देखें मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर ली थी फ्रंट के और बैक के गले पे तुरपाई भी कर ली थी तो आप ये देख लें इसकी ये लुक है बहुत ही प्यारा ये कुर्ता जो है वो स्टिच हुआ है उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई होंगी तो अगर ये आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पर आप हमें पिक्चर सेंड कर सकती हैं किसी भी तरह का आपने जो है डिज़ाइन सीखना हो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है पीछे हमने टैग भी लगाया हुआ है और इसी तरह ही जो है वो आप भी अपनी शर्ट को रेडी कर सकती हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़